दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आपके फोन को आपके टीवी से कनेक्ट करने की, तो वहां पे कई तरीकों से आप अपने फोन को अपने टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ वायरलेस तरीके होते हैं, जैसे कि आपका क्रोमकास्ट हो गया, एनीकास्ट हो गया, मायराकास्ट वगैरह, डीएलएनए वगैरह से आप अपने फोन को अपने टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। पर अगर मैं मॉनिटर्स वगैरह की बात करूँ, तो वहां पे आपको वायरलेस मेथड नहीं मिलेंगे, वहां पे वायर्ड मेथड मिलेंगे। जैसे वहां पे एचडीएमआई केबल से आप अपने फोन को अपने मॉनिटर से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर वहां पे आपको वीजीए पोर्ट यूज करना होगा या फिर डिस्प्ले पोर्ट यूज करना होगा। तो आज मैं एक ऐसे प्रोडक्ट की बात करने जा रहा हूं जो आपको एक वायर्ड मेथड देता है, आपके फोन के यूएसबी सी से एक्सटेंड करके आपको एक एचडीएमआई का कनेक्शन देता है, जिससे आप अपने फोन को किसी टीवी मॉनिटर वगैरह से किसी एक्सटर्नल डिस्प्ले से कनेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश, आप देख रहे हैं गीकाचार्य, और आज बात करेंगे पाई बॉक्स के यूएसबी सी टू एचडीएमआई अडैप्टर की। दोस्तों बेसिकली अभी मैं रिसेंटली अपने फ़ोन को पीसी से कनेक्ट करने की सोच रहा था, एक मॉनिटर से कनेक्ट करने की सोच रहा था, और तब मैंने इस प्रोडक्ट को खोजा अमेज़ॉन पे। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको इनबॉक्स कंटेंट क्या मिलता है। तो बॉक्स में आपको सबसे पहले एक अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर टाइप की चीज़ मिलती है, जहाँ पे आपको बताया गया कि आपको 50 से 250 रुपये के गिफ्ट वाउचर ये देंगे। दूसरी जो चीज़ मिलती है आपको वो है एक कैरिंग केस। अब आपने अगर मेरा ईयरफोन्स का अनबॉक्सिंग का वीडियो देखा है, तो कैरिंग केस से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि वो आपको एक जरिया देते हैं आपको अपनी डिवाइस को सेफली सिक्योरली अपने साथ रखने का। तीसरा आपको ये डोंगल मिलता है, और चौथा आपको बेसिकली ये जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है ये एक इनविटेशन कार्ड है गीक क्लब का। पाई बॉक्स का बेसिकली एक गीक क्लब इनिशिएटिव है, जिसके अंदर अगर आप रजिस्टर करते तो आपको फ्यूचर में जो इनके प्रोडक्ट्स रिलीज होने वाले हैं वो रिलीज से पहले दे दिए जाएंगे, ताकि आप टेस्टिंग वगैरह कर सको। तो अगर आप मेरी तरह कोई कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बेसिकली आपको आप प्रोडक्ट्स रिव्यू के लिए ले सकते हैं, जबकि वो लॉन्च ना हुआ है, उनकी लॉन्च से पहले ही टेस्टिंग के लिए ले सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो बेसिकली ये है पाई बॉक्स का डोंगल, और यहाँ पे एक यूएसबी सी कनेक्टर है, जिसके साथ आपको जिसके बाद आपको मिलता है एक यूएसबी ए फुल साइज अडैप्टर, एक एचडीएमआई का कनेक्टर और एक सी का कनेक्टर। अब बात करूं अगर मैं कनेक्टर्स की, तो आपका फ़ोन अगर यूएसबी टाइप सी सपोर्टेड है, तो आप इस डोंगल को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला यूएसबी का यूज़ कैसे कर सकते हैं, अगर ये ओटीजी सपोर्ट करता है, क्योंकि मैंने जब अपने नेक्सस से इसे कनेक्ट किया था, अपना मेरे पास एक नेक्सस 6P है, मैंने उससे जब इसे कनेक्ट किया था तो चार्जिंग काम नहीं कर रही थी, एचडीएमआई काम नहीं कर रही थी, पर यूएसबी काम कर रहा था, यूएसबी ए काम कर रहा था। मैंने अपना पेन ड्राइव इस तरह से कनेक्ट करके देखा था इससे, और ओटीजी की तरह काम कर रहा था ये। तो इसके बारे में अभी बात करते हैं थोड़ी देर में। तो आप ए पोर्ट का यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह के कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव्स वगैरह को अपने फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए, बेसिकली ओटीजी की तरह यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है एचडीएमआई कनेक्टर। एचडीएमआई कनेक्टर से बेसिकली आप किसी भी मॉनिटर वगैरह को कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे एचडीएमआई का इंटरफेस दिया हो। आपको एक एचडीएमआई केबल चाहिए, आपका एचडीएमआई केबल का एक सिरा इधर लगेगा, दूसरा सिरा आपके मॉनिटर एक्सटर्नल डिस्प्ले या टीवी वगैरह जिसमें भी आप चाहते हैं वहाँ पर लगेगा। अब एचडीएमआई पोर्ट ढंग से काम करे, इसके लिए आपके फोन को MHL सपोर्ट करना चाहिए, मतलब कि मोबाइल हाई डेफिनेशन लिंक। अब MHL सपोर्ट है कि नहीं है आपके फोन में, यह पता करने के लिए आपको सिर्फ एक गूगल करना है कि आपके फोन का मॉडल, जैसे कि LG G7 MHL सपोर्ट, आपको ऑटोमेटिकली वहां पे सर्च रिजल्ट्स मिल जाएंगे कि MHL सपोर्टेड है या नहीं, क्योंकि यह अडैप्टर यूएसबी सी टू HDMI का यूज करता है, MHL का यूज करता है। इसलिए जो भी डिवाइसेस में MHL सपोर्टेड नहीं होगा, जैसे कि OnePlus डिवाइसेस में OnePlus 7 में MHL सपोर्टेड नहीं है, तो वहां पे ये इस अडैप्टर का HDMI काम नहीं करेगा, तो आपको फिर भी OTG की तरह इस अडैप्टर को यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप इस अडैप्टर को लेने जा रहे हो, तो इससे पहले एक बार अपनी पर्टिकुलर डिवाइस का मॉडल MHL सपोर्टेड सर्च करके देख लीजिएगा। और इसी वजह से दोस्तों मेरे नेक्सस 6P में ये HDMI सपोर्ट नहीं कर रहा था, और चार्जिंग भी साथ में सपोर्ट नहीं कर रहा था। और तीसरा है यूएसबी सी अडैप्टर। यूएसबी सी बेसिकली आपने अपने फ़ोन को लगा रखा है अपने टीवी के साथ, और फ़ोन डिस्चार्ज हो रहा है, आपको चार्ज भी करना है साथ में, तो आप ये सीधे प्लग इन कर सकते हैं किसी चार्जर को यूएसबी की सी के साथ, और मस्त आपका फ़ोन चार्ज होने लगेगा। तो बेसिकली ये था इस अडैप्टर का जितना भी था। बिल्ड बहुत अच्छा है, एल्युमिनियम का फिनिश है ऊपर, ये टॉप में एल्युमिनियम है, दोनों साइड में प्लास्टिक है। तो मैंने एक ईमेल किया था कंपनी को ये बताने के लिए कि ये थोड़ा गर्म हो रही है डिवाइस, तो उन्होंने मुझे रिवर्ट किया कि बेसिकली ये जो एल्युमिनियम हाउसिंग है ये हीट सिंक का काम करती है। इन्होंने अंदर 3 पॉइंट्स दिए, जहाँ पे इनका जो भी अंदर सर्किटरी है वो कॉन्टैक्ट करता है इस एल्युमिनियम वाले आउटर शेल से, और फिर ये एल्युमिनियम हीट डिसिपेट करने में मदद करता है। तो बेसिकली काफ़ी फंक्शनल डिज़ाइन है, काफ़ी कूल सा डिज़ाइन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजिड सा कंपोजिशन लगता है, कॉर्नर्स काफ़ी अच्छे हैं, एजेस काफ़ी अच्छे शार्प दे रखे, और काफ़ी कॉम्पैक्ट सा फिनिश है। तो
बेसिकली मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट ओवरऑल रेकमेंडेड है, अगर आपको अपने फ़ोन को अपने टीवी वगैरह से कनेक्ट करना है तो आप इसे ले सकते हैं। और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं, बेसिकली पाईबॉक्स ने इसे स्पॉन्सर नहीं किया, मैं चाहता हूँ कि वो काश वो कर देते पर ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो बेसिकली ये आपके ये एक डोंगल है जो आपके USB-C पोर्ट को एक्सटेंड कर देता है 3 अदर पोर्ट्स में। तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आया, और शेयर करिए इस वीडियो को जो भी लोग ये किसी वायर्ड मेथड से अपने फ़ोन को टीवी से कनेक्ट करना की सोच रहे हैं, चाहते हैं ऐसा करने की, क्योंकि अमेज़ॉन पे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और उनमें से काफ़ी अच्छे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और ये काफ़ी फंक्शनल प्रोडक्ट है, क्योंकि अगर HDMI वगैरह काम नहीं करता तो भी आप इसे OTG की तरह यूज़ कर सकते हैं, ऑल्दो आई एम नॉट रिकमेंडिंग दैट। प्लस मुझे ये कंपनी का रवैया काफ़ी पसंद आया, मैंने इन्हें मेल किया था और काफ़ी जल्दी इन्होंने रिस्पॉन्ड किया, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपको ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में देखते रहने हैं, और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। अगर मैं कुछ इस तरह से इसको प्लग करता हूं, यहां पे फोन के टाइप सी से मैंने डोंगल को कनेक्ट कर दिया और डोंगल से एक HDMI केबल जा रहा है।